हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, बहुत खुशखबरी की बात है कि इंडिगो एयरलाइंस 15 नई घरेलू उड़ानें शुरू कर रही है। शायद हो सकता है कि आपका भी एयरपोर्ट उसमें हो, तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक और पूरी जानकारी इसमें बताने वाला हूं, तो देखते रहिए वीडियो का लास्ट तक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई वीडियो मैं लेके आता रहता हूं तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को भी एक लाइक करिए और ये जानकारी दूसरों को जरूर शेयर करिए। तो चलिए आपको मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स, गो एयरलाइंस के बारे में मैं लास्ट में बताने वाला हूं, मुंबई और दोहा कतर के बीच कब चालू होगा, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूं, इंडिगो ने महानगरों के बीच 15 नई उड़ानों की घोषणा की है। एयरलाइंस ने कहा कि नई उड़ानों का संचालन 29 मार्च से शुरू होगा। एयरलाइंस ने कहा कि 29 मार्च से इंडिगो बेंगलोर, इंदौर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद, हैदराबाद गुवाहाटी, कोलकाता हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली हैदराबाद और हैदराबाद चेन्नई के बीच नई उड़ानें संचालित करेगा। इसने कहा कि पटना तथा मुंबई के बीच उड़ान 15 मई से शुरू करेगी और बेंगलोर तथा जयपुर के बीच उड़ान 1 जुलाई से शुरू करेगा। इंडिगो के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विलियम बोल्डर ने कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 5 मेट्रो शहरों से कनेक्शन बढ़ाया है, साथ ही अपने घरेलू नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 15 नई उड़ानें की घोषणा की है। उन्होंने कहा, ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद से यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। अब फ्रेंड्स, मैं गो एयरलाइंस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि 19 मार्च से मुंबई दोहा रूट पर डेली फ्लाइट की शुरुआत करेगी। बता दें कि गो एयर रोजाना 300 से अधिक उड़ानें संचालित करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ में। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।